अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। सो आज जो है मैंने पैरालट बनवाने थे, क्योंकि पैरालट मेरे पास नहीं थे तो मैंने सोचा कि क्यों ना खुद ही पैरालट बनवा लूँ। तो इसलिए मैंने छोटे दो जो हैं लकड़ी के पीस ख़रीदे, तो इन पर ये मेरे भाई जो है बना रहे हैं इसे। तो इसकी जो है हम 4 पीसेस कर लेंगे, 2 पीसेस इसके हो जाएंगे और 2 पीसेस जो है इस पीस के हो जाएंगे। इस तरह जो है यानी एक पीस बन जाएगा इसका और दूसरा पीस ये। तो इसकी जो है हमने हाइट और विड्थ जो है 5 5 इंच रख ली है। तो देखते हैं अभी। मशीन ऑन हो रही है। आप लोग देख सकते हैं एक पीस की जो मोटाई है, थिकनेस है, वो हमने 2 इंच रखी है। तो इस तरह जब हम इसमें ये जो 2 इंच इसकी, तो मेरे पास ये वैसे स्टिक पड़ी हुई थी, ये बहुत ही पुराने स्टिक्स हैं जब मैं क्रिकेट खेला करता था। तो ये मैंने सोचा क्यों ना कि पैरालट में यही यूज़ की जाए, क्योंकि ये मज़बूत भी हैं। तो यहाँ पर एक होल किया जाएगा जिसमें हमारी ये स्टिक लगेगी, ठीक है। तो जो भी भाई अगर खुद से पैरालट बनवाना चाहता है तो वो ये देख ले किस तरह भाई बना रहे हैं। तो आपके करीबी कोई भी अगर जो है लकड़ी वाला हो या जैसे बेड वगैरह बनाने वाले होते हैं तो उनसे आप लोग ये बनवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो इसका परफेक्ट लेवल है वो इस मशीन पर होगा, ताकि लेवल में जो है थोड़ा सा भी फ़र्क ना हो। फ्रेंड्स, मैंने अभी जो है भाई से कहा है कि इस पीस की जो है इस तरह हम साइडें काट देंगे, ये जो निशान लगे हुए हैं, तो इस तरह इसकी जो है साइडें लगेंगी नहीं। अगर बंदा गिरेगा या इस तरह से तो किसी भी तरह ये साइडें नहीं लगेंगी, ठीक है। अभी इसकी कटिंग होना बाकी है। आपके सामने ये जो है लाइनें लगी हुई हैं, ये अभी कटनी है। गरम
तो फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे पैरेलल्स थे वो बन गए हैं, तो अभी ही मैं जो है इनके सुराख करवा के आया हूँ। होल जो है इनके ये बड़ी मशीन पर निकले हैं, तो अभी भाई ने ग्लू वगैरह लगा कर तो इसमें जो है स्टिक लगा दिए हैं। तो अब इसके ऊपर हमने ड्रिल मशीन से सुराख करने और यहाँ पर पेच लगाएंगे, तो ये इस तरह मजबूत हो जाएंगे। तो माशाल्लाह से दोनों ही तैयार हो गए अच्छी तरह। तो फ्रेंड्स हमारे पैरेलल्स जो हैं रेडी हो चुके हैं इस टाइम, आप लोग देख सकते हैं। बस सिर्फ ड्रिल से सुराख करने और ये लगा देने इधर स्टिक और जो है इनके दरमियान यहाँ पर ये लगेंगे, तो इससे ये और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह हमने कि किस तरह मैंने पैरेलल्स बनवाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह एक रॉ वुड से पैरेलल्स किस तरह बने। तो आप लोग भी इसी तरह बनवा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ बनाने वाला बंदा हो तो बना ही देगा आपको। सो अगर आप लोग ऑनलाइन या किसी भी वेबसाइट से ख़रीदेंगे तो ये बहुत ज़्यादा महंगे पड़ेंगे आपको। इस तरह जैसे मैंने बनवाए इस तरह ये बेस्ट है। ठीक है, सो इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट टाइम इन माय नेक्स्ट वीडियो विद पैरेलल्स वर्कआउट इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।